ये मज़ेदार से ड्रिंक जब आप इस गर्मी में बना के पियेंगे तो आपको ख़ुद ही बहुत ठंडक का एहसास होगा और आप जो है अपने आप को बेहतर फील करेंगे। तो आप ये ड्रिंक ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ेदार ड्रिंक। पुदीने से एक बना है और दूसरा जो है वो कोकोनट और पाइनएप्पल से बना है। तो आपने इस ड्रिंक को ज़रूर बनाना है, और कैसे बनाना है ये हम आपको बताते हैं। तो जनाब चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और जो है हम अपना ड्रिंक बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों, अल्लाह के अमान में हों। तो जनाब गर्मी ज़ोरों पे है तो दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा पीने को। तो आज हमारे किचन में दो ड्रिंक्स बनने जा रहे हैं। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं पीना कोलाडा। तो उसके लिए जो है मैंने लिया हुआ है एक टिन जो है वो कोकोनट मिल्क का लिया है, ये देखें, और एक टिन जो है वो पाइन एप्पल का लिया है। ये फ्रेश से भी बना सकते हैं लेकिन मैं टिन वाली जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें इसके छोटे छोटे पीस हुए हुए हैं, ये छोटा टिन है, ये आपने लेना है। और ये कोकोनट मिल्क है ना, देखें कितनी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह का जो है टिन आपने लेना है। तो ये दो टिन है इनका, इनको जो है अब हम ब्लेंडर में डालेंगे। इसमें बस ये कोकोनट मिल्क डलेगा और पाइन एप्पल डलेगा, और पाइन एप्पल का जो सिरप है मैंने चखा उसमें चीनी कम है, तो मैं चीनी जो है थोड़ी सी डालूंगी, ठीक है। ये गया कोकोनट मिल्क, बहुत मज़ेदार, इसमें चीनी नहीं है, बेहद अच्छा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। आप इसे ज़रूर जो है इस्तेमाल कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। मैंने जो है मिल्क भी डाल दिया और पाइन एप्पल भी डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, मैं इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डालूँगी। बेहद मज़ेदार और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा। तो ये आपने ये जो है तो पीना कोलाडा जो है, ये पीना जो है ये एक स्पेनिश वर्ड है और पीना का मतलब है पाइन एप्पल। ये पाइन एप्पल और कोकोनट को जो है ब्लेंड करके तो ये ड्रिंक बनाया जाता है। तो जनाब ये हमारा ड्रिंक जो है वो तैयार हो गया। अब ढेर सारी जो है हमने इसमें आइस डालनी है, और जो है ग्लास को भी मैंने जो है टैंग वाला जो आता है पाइन एप्पल वाला पाउडर, उससे जो है साइडों से सजा दिया। लें जनाब हमने जो डाल दिया है अपना जूस इसमें, और साइड पे हमने दो स्लाइस लगा दी है पाइन एप्पल के, थोड़ा सा मिंट लगा दिया है, और थोड़ा सा मैंने कोकोनट जो है वो क्रश करके रखा हुआ है, उसको जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। बेहद मज़ेदार, देखने में इतना मज़ेदार लग रहा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ठंडा 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 जब आप पियेंगे तो आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि ये कितना जो है हेल्दी ड्रिंक आपके लिए। तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें जनाब हमारा पीना कोलाडा तैयार हो गया है। अब जो है हम अपना दूसरा ड्रिंक बनाएंगे जो कि है मिंट मार्गरीटा, ठीक है। तो इसके लिए ये तो बेहद ही अच्छा ड्रिंक है क्योंकि इसमें पुदीने का यूज़ होता है, और जो कि हमारी हाजमे के लिए बेहतरीन है। और इसको बनाने के लिए हमने जो है एक मुट्ठी के करीब पुदीना लिया है, आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, और इसमें भी जो है आइस काफ़ी सारी जाएगी, ठीक है। पुदीना लिया हमने, दो लेमन जूस लिए हैं, दो लेमन का जूस लिया है, और इसमें जाएगा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये मैंने पुदीना डाल दिया, अच्छी तरह से धोना है आपने इसको, और ये काफ़ी सारी सी मैंने आइस डाल दी, और ये दो जो है टीस्पून लेमन जूस था, ये हाफ टी स्पून काला नमक डाले, हाफ टी स्पून मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, और जो है हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है मैंने अदरक का पाउडर डाला है, ठीक है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये आपने सब कुछ डाल के उसके बाद जो है आपने कोई भी वाइट ड्रिंक डालना है इसमें, सेवन अप या स्प्राइट लेके तो दो ग्लास वो डाल दें, और इसको जो है आपने अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि जो है पुदीना वो उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो ये आपका बेहतरीन सा दिन तैयार हो जाएगा। पुदीना वैसे भी आपको पता है कि कितना अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो गर्मियों में तो बेहतरीन होता है पुदीने का इस्तेमाल। तो ये आप जी ज़रूर बनाइएगा।
तो ये देखें हमारा मिंट मार्गरीटा तैयार हो गया है, और ये हमने इसको ग्लास में डाल दिया है, और जो है इसको आपने मज़े से जो है वो इंजॉय करना है। तो हमारे दोनों ड्रिंक तैयार हो गए हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जनाब हमारा पीना कोलाडा और मिंट मार्गरीटा तैयार हो गया है, और बेहतरीन है ये, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं, आप इनको ज़रूर बनाइएगा। और जनाब मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।